नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर मैं निकलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, शतरंज का आनंद उठा रहे होंगे और हम बात कर रहे हैं विश्वनाथ आनंद जी की एक बार और। जी हां, इंतजार कर रहे हैं फीडे विश्व कप की शुरुआत का और उससे पहले हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं विश्वनाथ आनंद जी के उन दिनों की जब वो बेहद युवा थे, मात्र 23 वर्ष के थे विश्वनाथ आनंद जी जब ये मुकाबला खेला गया, जो कि आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मुकाबला है इवान सोकोलोव के साथ हुआ था 1992 में, ब्रुसेल्स रैपिड टूर्नामेंट था और ये आनंद के फेवरेट गेम्स में से एक है। ये उनकी जो किताब है माय बेस्ट गेम्स, उसमें भी उन्होंने शामिल किया है इस गेम को। इवान सोकोलोव के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। डच ग्रैंड मास्टर हैं, दो बार चैंपियन रहे हैं, डच चैंपियन, नीदरलैंड के चैंपियन रहे हैं दो बार, वही नीदरलैंड जहाँ से अनीश गिरी खेलते हैं अभी, और 2706 पीक रेटिंग रही है, तो काफ़ी अच्छे खिलाड़ियों में गिने जाते रहे हैं। और आनंद के साथ इनका मुकाबला जो है काफ़ी प्रसिद्ध हुआ क्योंकि आनंद ने बहुत अच्छा खेल दिखाया है इनके साथ। वर्तमान समय में पिछले कुछ समय से दुबई और यूएई चेस फेडरेशन के साथ एज अ कोच काम कर रहे हैं काफ़ी समय से, काफ़ी किताबें लिख चुके हैं इवान सोकोलोव। खैर, ये तो था उनकी पृष्ठभूमि। विश्वनाथन आनंद जी 22 साल के थे और बेहद शानदार ऊर्जा के साथ उन्होंने इस मैच को जीता। सफ़ेद मोरों से आनंद थे, सोकोलोव काले मोरों से। आइए देखते हैं मुकाबला। मैच शुरू हुआ e4 c5 नाइट f3 e6 d4 सीन टू d4 नाइट इन टू d4 नॉर्मल सिसिलियन ओपन सिसिलियन है, a6 नाइट c3 और d6। और हमने कल देखा था, जो हमने जुडिथ पोलियर के साथ मुकाबला देखा था, तो आपने देखा था कि उन्होंने भी स्कैंजन सेटअप किया था और विश्वनाथ आनंद ने इंग्लिश अटैक के साथ उस गेम को जीता था। इस गेम में आनंद खेलते हैं a4। ये मुकाबला उससे पहले हुआ है, 1992 में हुआ है। तो आनंद खेलते हैं a4। a4 एक नॉर्मल चाल है और आने वाले समय में ये इंडिकेशन दे रहा है कि b5 जो है उसको डिस्करेज करने के लिए है। साथ ही साथ ये भी सही है कि जब आप a4 खेलते हैं तो इसका मतलब है कि आप कैसल जो है वो किंग साइड करने जा रहे हैं, क्वीन साइड कैसल जो है वो नहीं करने जा रहे हैं। कल जैसे हमने इंग्लिश अटैक में देखा था किस तरह से क्वीन साइड कैसल करके आनंद ने जोरदार आक्रमण किया था। नाइट f6 नॉर्मल डेवलपमेंट किया यहाँ पर सोकोलोव ने, बिशप e2 और यहाँ पर उन्होंने खेला नाइट bd7। अब आप ये देखेंगे कि एक छोटे से जो यहाँ पर चेंज करता है पुराने, यहाँ पर नॉर्मली नाइट c6 होता है, ठीक है, तो आनंद नाइट c6 की उम्मीद किए थे हुए थे। जब नाइट bd7 आता है तो नाइट bd7 का प्लान है डेफिनेटली नाइट c5 आना और e4 पर प्रेशर डालना, ठीक। लेकिन जब आप नाइट c6 पर नहीं होते हैं, नहीं हैं, तो ये डायगोनल जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर होगा, ठीक। अब आनंद इस फैक्ट को कैसे एक्सप्लोइट करते हैं वो देखिए। आनंद ने खेला यहाँ पर, जब उन्होंने खेला नाइट fd7, आनंद ने यहाँ पर खेला कासल किया आनंद ने, ओके। अपोनेंट ने खेला नाइट c5 जैसा कि उनका प्लान था और यहाँ पर आनंद ने f3 या किसी और तरीके से पॉन को डिफेंड करने के बजाय आनंद खेलते हैं बिशप f3। यहाँ पर आनंद ने डिसाइड किया, चूंकि नाइट यहाँ पर आ गया है, इधर पर नहीं है, तो इसका मतलब इस डायगोनल पर प्रेशर रहेगा। b6 या b5 को डिस्करेज करने के लिए भी बिशप को इस डायगोनल पर रखते हैं। अब आनंद कैसे आगे करते हैं, बिशप e7 और आनंद एक सरप्राइजिंग मूव खेलते हैं g3। g3 काफ़ी सारी चीज़ें हैं। g3 एक सामान्य चाल नहीं है कि आपने एक चाल यहाँ पर आनंद बिशप e2 दो चाल खराब हो गए और उसके बाद अंदर जाने का प्लान है एक्चुअली आनंद। तो आनंद का प्लान है बिशप g2 जाना है और ये जो g3 है ख़राब नहीं जाएगा क्योंकि ये सपोर्ट करेगा आने वाले समय में f4 को, क्योंकि आप देखिए स्कैंजन स्ट्रक्चर जब भी कोई सामने लेता है तो उसने क्या किया हुआ है, सेंटर को पूरा कंट्रोल किया हुआ है, तो इसको ब्रेक करना है, इसको तोड़ना है। तो उसके लिए कैसे तोड़ा जाएगा, कहाँ से ब्रेक दे सकते हैं, डी पे तो पॉन है नहीं हमारा, ठीक है, सी पे पॉसिबल नहीं है ब्रेक देना, तो कहाँ से ब्रेक देना पॉसिबल होगा, यहीं से ब्रेक देना पॉसिबल होगा। चलिए आगे गेम कैसे हुआ, कासल, आनंद खेलते हैं बिशप g2, क्वीन c7, बिशप e3 और ये जो लास्ट पीस है विश्वनाथ आनंद जी का बोर्ड पर आ चुका है। अब आप पोजीशन कंपेयर कर लीजिए स्ट्रक्चर वाइज, ओके, ये जरूर स्कैंजन सेटअप जो है वो यहाँ पर सेंटर कर दे रहा है ब्लैक को, लेकिन ये कब तक रहेगा, जब तक कि हम इसको ब्रेक नहीं कर देते। दूसरा, इस बिशप के लिए अभी भी आपको जगह तलाशनी है, बिकॉज ऑफ दिस बिशप ये जो डायगोनल पे कमजोरी आ रही है उसकी वजह से बिशप यहाँ से खेलने में आप नहीं खेल पा रहे हैं, तो फिर इसके लिए आपको थोड़ा सा और समय देना होगा, अपने मोरों को बेहतर करना होगा ब्लैक को, और ये जो समय है ये सफ़ेद इस्तेमाल करेगा आक्रमण करने के लिए। रुक b8 हटना ही पड़ेगा अगर आपको b6 से वहाँ से कुछ मूव करना है, अपने पीस को खिलाना है। आनंद ने यहाँ किया f4, नॉर्मल लॉजिकल, उनके पीस निकले हुए हैं और इस सेंटर को ब्रेक करना उनका उद्देश्य है किसी भी तरीके से, ओके।
रुकी एट, और जैसे ही रुकी एट आया यहाँ पर विश्वनाथ आनंद जी पहले एक्चुअली सोच रहे थे वो कि G4 और G5 करके आगे बढ़ के खेला जाए, पर आनंद ने जैसे ही यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया और देखा कि ये जो रुक का एफ फाइल से हटना है और खासतौर पर इन पीसेस के बीच जो डिसकनेक्टिविटी है, मतलब अभी तक ये मोहरा नहीं खेल रहा है और ये दो ये हैंगिंग पीस है, तो कैसे इसका फायदा उठाया जाए। तो आप चाहें तो यहाँ पर पॉज कर सकते हैं और सोच सकते हैं। आनंद ने खेली बहुत अच्छी चाल, विश्वनाथ आनंद जी ने E5, D into E5, F into E5, आप देख सकते हैं क्वीन से तो आप मार नहीं सकते हैं क्योंकि बिशप F4 और पिनिंग की वजह से आपका रुक चला जाएगा, सो इस बात का फायदा उठाया विश्वनाथ आनंद ने। नाइट FD7 और अब वो चाल है, आने वाली कुछ चालें जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, एक बार फिर से पॉज करके सोच सकते हैं। शानदार जानदार सेक्रीफाइस रुक इनटू F7, और जैसे ये आया तो बोर्ड पर काफ़ी कुछ बदल गया। अब वो चाहते तो इसको अवॉइड करने के लिए कुछ कुछ कर सकते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल नाइट इनटू E5, बिशप F4, क्वीन D6 बेटर मूव है यहाँ पर, सो रुक इनटू E7। अच्छा, यहाँ पर अगर किंग इनटू F7 मारने की कोशिश करते तो फिर वही होगा, चेक आएगी और उसके बाद बिशप इनटू E5, तो ये विनिंग ही है वाइट के लिए, तो इस तरीके से तो आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। तो क्वीन D6, तो यहाँ पर एक और ब्रिलियंट मूव आनंद के लिए तैयार थी, वो थी रुक इनटू E7, मतलब अभी पॉन लिया है, अब एक्सचेंज दे दिया, क्वीन से मार नहीं सकते, नाइट हैंगिंग है, और अगली चाल यहाँ पर विश्वनाथ आनंद जी की फिर से शानदार, नाइट BD5, क्वीन से क्वीन मारना होगा, रुक D1, A into B5, बिशप इनटू E5, रुक A8, और यहाँ पर BD6 आ रहा था। तो ये जो हैंगिंग पीसेस पे आनंद की नजर थी, इसकी वजह से इस सेक्रीफाइस को इस तरीके से खेला जा सकता था, लेकिन ये जो स्थिति बनी जो आनंद ने सोचा हुआ था वो भी बहुत अच्छा था। तो अब क्या स्थिति बनी वो देखते हैं बोर्ड पर, जो रियल जो असली स्थिति बोर्ड पर बनती है वो है किंग इनटू F7। अब उन्होंने सेक्रीफाइस एक्सेप्ट कर लिया, ओके, क्वीन H5 चेक, किंग F8, अंदर आप जा नहीं सकते क्योंकि आप देख सकते हैं G8 पे आप क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि ये रुक हैंगिंग है, तो रुक F1 चेक, नाइट F6 रखना पड़ा, EF6, बिशप F6 और नाइट BD5, ये आई असली चाल, क्योंकि ये एक और पीस यहाँ पर हैंगिंग। तो हैंगिंग पीसेस पे नज़र, मोहरे बाहर नहीं निकले और उसी बात का आनंद ने कोई मौका ही नहीं दिया सोकोलो को बेहतर होने का, मारना पड़ा नाइट इनटू D5, क्वीन D7, और अब यहाँ पर कोई नॉर्मल कोई भी खिलाड़ी होगा तो वो डेफिनेटली बिशप इनटू C5 सीधा मार सकते हैं, लेकिन आनंद की नज़र में किंग की जो कमजोरी थी वो ज़्यादा बड़ी थी और उन्होंने यहाँ पे खेला एक और गुड मूव, क्वीन इनटू F7। अब आइडिया है रुक इनटू F6 आ रहा है, अपोनेंट ने डिफेंड किया क्वीन E7, फिर से पॉज कीजिए, देखिए कि क्या हो रहा है, क्या आनंद जी का आइडिया वर्क कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है रुक इनटू F6, क्वीन इनटू F6, नाउ बिशप इनटू C5 चेक। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप पॉन से नहीं मार सकते हो, मुझे लग रहा है सीधा बिशप F6 आ रहा है, तो रुक क्वीन टू F6 फोर्स है, बिशप C5 चेक, रुक E7, और यहाँ पर क्वीन H8 चेक, किंग F7, तो नाइट D6 चेक, और बेहद ही शानदार अंदाज में विश्वनाथ आनंद जी ने ये जीत दर्ज की, और उन्होंने अपने बुक में इस गेम को शामिल भी किया है उनके पसंदीदा गेम की तौर पर। दोस्तों ये सीरीज हमारी कंटिन्यू है, विश्व कप पर हमारी नज़र बनी हुई है, जल्दी शुरू होने वाला है आज से 2 दिन बाद, तो उस पर तो हमारा खास कवरेज रहेगा ही। सुनते रहिए, मुझे देखते रहिए और अपने सुझाव जरूर अपने लिखिए, आप जो भी सुझाव लिखते हैं अच्छे या बुरे मैं सब पढ़ता हूँ, और हम कोशिश करते हैं कि लगातार सुधार कर सकें, बदलाव कर सकें, और जानकारी देने से हमारा मतलब यह है, कई बार गेम के बारे में बताने की कोशिश ये रहती है ताकि आपको वो गेम लंबे समय तक याद रहेगा। अगर मैं आपको गेम सिर्फ मैच की मूव्स के बारे में बताऊंगा तो वो ज़्यादा याद ही रहेगा। विश्वनाथन आनंद जी जरूर कहते हैं इस बारे को बात को कि हिस्ट्री जरूर पता होनी चाहिए गेम से रिलेटेड, क्योंकि अगर हिस्ट्री पता रहेगी तो कोई भी बच्चा ये गेम देखेगा तो उसको याद रहेगा लंबे समय तक। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, किसी भी गेम से रिलेटेड अगर हिस्ट्री हो और वो हिस्ट्री अगर आप जानते हो तो उससे आप वो गेम भूलते नहीं हैं, इसीलिए मैं हिस्ट्री बताने की कोशिश करता हूँ। खैर, एनीवे, मुझे उम्मीद है कि आप यूं ही जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए जो कि हिंदी भाषा में शतरंज को सीखना, खेलना और समझना चाहते हैं। तो दोस्तों, चेस बस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद।